Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद साहबुद्दीन की बेटी हेरा साहब की 15 नवंबर 2021 को शाही अंदाज में शादी हो गई। जिसने भी यह शादी और उससे जुड़ी तैयारी देखी उसकी नज़रों में अब सब कैद हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने ज़माने में साहबुद्दीन ने प्रेम विवाह किया था और हेरा की शादी से भी ज़्यादा चर्चा थी। जाने कैसे साहबुद्दीन और हिना साहब की मुलाकात हुई और दोनों ने फिर प्रेम विवाह किया। पहले जान लेते हैं कि आखिरकार हिना साहब कौन है। सिवान शहर के बिसुनपक्का मोड़ के रहने वाले मरहूम कमरुद्दीन खान की 5 बेटी और 3 बेटे हैं। इसमें सबसे बड़ी बहन में जुबैदा खानम, फिर खातून खानम, कैसर खानम, हुस्ने अंबर और फिर थी हिना साहब। 5 बहनों में 2 की शादी प्रतापपुर के एक ही घर में हुई है। साहबुद्दीन से हिना साहब की और उनके मझले भाई शमसुद्दीन से हुस्ने अंबर की शादी हुई है। कैसे मिले थे साहबुद्दीन और हिना, इस बारे में साहबुद्दीन के करीबी ने बताया कि मोहम्मद साहबुद्दीन और हिना साहब की मुलाकात पढ़ाई के दौरान कॉलेज में हुई थी। उस वक्त हिना साहब डीएवी कॉलेज से पीजी की पढ़ाई कर रही थी और साहबुद्दीन भी उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे। 1991 में हुए इस चर्चा थी। उसी समय पहली बार साहबुद्दीन विधायक भी बने थे। इससे पहले हिना साहब की हाईस्कूल की पढ़ाई शहर के तेलहट्ठा बाजार स्थित दाऊद मेमोरियल से हुई थी। वहीं इंटर और ग्रेजुएशन इस्लामिया कॉलेज से हुई है। रिसेप्शन में पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव। 1991 में जब साहबुद्दीन की शादी हुई थी उस वक्त वो जनता दल से विधायक थे। उस समय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की सरकार थी। शादी के बाद सिवान के प्रतापपुर गांव में धूमधाम से रिसेप्शन हुआ था। उस पार्टी में बिहार के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव, मंत्री रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवशंकर यादव, शिवानंद तिवारी, अवध बिहारी चौधरी सहित कई बिहार के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए थे। उस समय भी प्रतापपुर में लाखों की भीड़ जुटी हुई थी। साहबुद्दीन के जेल जाने के बाद मैदान में आई हिना। आज भी ही साहबुद्दीन नहीं है लेकिन उनकी सियासत को हिना साहब अपने तरीके से संभाल रही हैं। जेल में जब साहबुद्दीन बंद थे तो सबसे पहले हिना 2009 में आरजेडी के टिकट पर सिवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। इसके बाद 2014 और 2019 में भी चुनाव लड़े लेकिन तीनों बार हार का सामना करना पड़ा। अब चर्चा है कि आने वाले वक्त में हिना साहब राज्यसभा भी जा सकती हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.